आत्मनिवेदन तुया पदे करी हई नो परम सुखी आत्मनिवेदन तुया पदे करी हई नो परम सुखी दुख दूरे गेला चिंता ना रहिना दुख दूरे गेला चिंता ना रहिना चौदी के आनंद देखी चौदी के आनंद देखी चौदी के महात्मन हे राज ऋषि आपका जीवन ये कैसा है। तो वो कहते हैं प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं आत्मनिवेदन मैंने जब से आपके चरणों में किया है मैं परम सुखी हूं। सुनने वाला समझने वाला समझ गया वो सारे के सारे विश्ववासी को फॉलो करने लगे उनके पीछे चलने लगे और सभी कहते हैं आत्मनिवेदन तुया पदे कर हई नो परम सुखी आत्मनिवेदन तुया पदे कर हई नो परम सुखी अशोकया भय अमृतयाधार अशोकया भय अमृतयाधार अशोक भय अमृतयाधार अशोक चरण कमल अशोक शोक नहीं रहता। शोक किससे होता है अपने मित्र राजाओं से कह रहे हैं अम्बरीश महाराज। शोक होता है जब कोई चीज आपसे बिछुड़ जाए। आप जिसे चाहते थे प्रेम करते थे वो खो जाए तो शोक होता। भय कब होता है? भय होता जब मिला ना हो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आए क्या होगा, भविष्य को लेके भय होता है, भूतकाल को लेकर के शोक होता है। आपके चरण भगवान से कह रहे हैं आपके चरण अशोक, जिन चरणों का आश्रय लेने से शोक नहीं रहता। अभय आगे का कोई भय भी नहीं होता, जब आश्रय ले लिया ना शोक है भय। और वर्तमान में मोह होता है। मोह किस लिए होता है? ओ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। उठाया सांप निकला,
उठाया ये सोच करके कि हार है, लेकिन निकला सांस। ये मोह है अज्ञानता, कहते अमृत आधार। शोक भी नहीं, मोह भी नहीं, भय भी नहीं। जब से मैंने आपके चरणों का आश्रय लिया है, सब आप में से जिनको शोक है बिछड़े हुए का, उन्होंने आश्रय नहीं लिया। जिनको भय है भविष्य का, उन्होंने आश्रय नहीं लिया। राजाओं को साक्षात उपदेश नहीं देते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तुम्हारे संसार गरीबों से नहीं गोपाले रामी, तुम्हारे संसार गरीबों से नहीं गोपाले का भोग नहीं करूंगा। क्या करूंगा? सेवा। भोग और सेवा में अंतर है। भोग में स्वसुख की इच्छा होता है, सेवा में मेरे प्रभु का संसार है, इसको ठीक ठाक चलाऊं, ये सेवा की भावना। कई लोग सेवा करते हैं लेकिन उसमें मैं करने वाला हूं ऐसा अभिमान हो जाता है, इसमें नहीं होता। जो ड्यूटी दी है, जो ड्यूटी दी है भगवान ने, जो सेवा दी है भगवान ने, उसमें भोग की वासना नहीं, सेवा की भावना। मेरी पत्नी वो भी आपकी सेविका है, उसको सुख देना। मेरे बच्चे वो भी आपके हैं, उसकी व्यवस्था करना, नौकर की तरह, मालिक की तरह। हम लोगों में से नौकर की तरह कितने करते हैं? बड़े विरले। नमक के लिए मर पड़ते हैं, ठाकुर का प्रसाद पा रहे हैं, जो मिल रहा है ले रहे हैं। परंतु भगवान के भोग में तुमने त्रुटि की, इसके लिए सावधान भी करते हैं, सावधान भी रहते हैं। आपकी सेवा में कमी हुई, मेरे लिए तो मैंने खा लिया। इस प्रकार से दिव्य भाव लेते हुए कहते हैं, आपका जैसे सुख होगा इसी में मेरा अनुराग है, ऐसा अम्बरीश महाराज का चरित्र है। वचन सबई मना कृष्ण पदारविंदयो, सबसे पहले उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में दे दिया। अब बताओ, हमारा मन ही तो है जो नहीं लगता। उन्होंने सबसे पहले मन को दिया, कैसे दे दिया, ये कैसे संभव हुआ? कहते उनको पता है ये शरीर भी उनका नहीं, मन बुद्धि भी उनकी नहीं, और आत्मा स्वयं भी भगवान की है,
जब सब कुछ भगवान का ही है तो सबई मना कृष्ण पदा रविंदयो, सबसे भगवान के चरणों में अर्पण किया उन्होंने अपने मन को। उसके बाद वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने सृतिंचकाराच्युत कथोदये, अपने आप को किस प्रकार से उन्होंने सेवा में लगाया ये अगर आप कर लेंगे तो भगवान भी आपसे दूर नहीं, आपको खोजते हुए आएंगे। हाँ ठीक है, और कोई मजेदार चीज सुनाओ। जैसे आज हम गए थे एक चौकी पे बाबा बालकनाथ जी महाराज की, बड़ा नाच रहे गा रहे बढ़िया हो रहा। मैंने कहा बाबा जी को सुख हो रहा है कि नहीं ये सोचा कि नहीं, उनसे सुख लेने की बात तो आयो, ये मान ये पूरा कर दे वो पूरा कर दे, उन्होंने सुख हो रहा है कि नहीं ये कोई सोचता नहीं। यहाँ पे बड़े सुंदर शब्द हैं, आपके सुख के लिए यत्न करूंगा, आपके चरणों में अनुरागी हो करके तुमार सेवाए दुखाए जतन, तुमार सेवाए दुखाए जतन, से यो तो परम सुख, से यो तो परम सुख, निज सेवा निज सुख दुख परम संपा, सेवा सुख दुख शय अविद्या, शय अविद्या पूर्व इतिहास उदिनु शक, सेवा सुख प्रेमाने पूर्व इतिहास उदिनु शक, सेवा सुख प्रकार से अम्बरीश महाराज ने राजाओं से बात की। आप चाहते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करे, आपसे हो सकता है बहुत लोग प्रेम करते हैं लेकिन आप किसी से प्रेम करते हैं वो महत्व है। हो सकता है आप इको बंद कर दो भाई साहब, ये जड़ी फ्लैट है ना, ये मतलब फ्लैट करना। वृंदावन बिहारी